कौन है मार्कोस कमांडो? पानी में मौत को कैसे देते हैं मात? कैसे मिलती है मार्कोस कमांडो को ट्रेनिंग? ये सवाल उस दिन से लोगों के मन में उठ रहा है जिस दिन ये खबर आई कि सोमालिया तट के पास हाईजैक हुए जहाज से 15 भारतीयों समेत 21 जिंदगियों को सकुशल बचा लिया गया। ये तस्वीर उसी भारतीय नौसेना के सफल ऑपरेशन के बाद की है जिसमें सभी भारतीय भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इन सभी लोगों को बचाने में जिनका अहम योगदान था वो कोई और नहीं मार्कोस कमांडो ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मार्कोस कमांडो है कौन? मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। पानी में मौत को मात देने की वजह से मार्कोस कमांडो समंदर का सिकंदर के नाम से मशहूर है। वैसे तो इन्हें मार्कोस कहा जाता है मगर आधिकारिक तौर पर इनका नाम है मरीन कमांडो फोर्स यानी कि MCF। पानी में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही इन्हें ट्रेंड किया जाता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग काफी टफ होती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कई जवान हर मान के बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। माना जाता है कि 2.5 से 3 साल तक खतरनाक ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहता है जिसमें पानी के अंदर और बाहर मौत से जंग सिखाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि सेना के किसी अन्य विंग में जितनी सख्ती होती है उससे कहीं ज्यादा मार्कोस कमांडो को ट्रेनिंग में होती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को हर स्थिति से निपटने के लिए मजबूत बनाया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे मौत को मात दी जाती है। इनके लिए सिर्फ इंडियन नेवी ही नहीं बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकी नेवी के ट्रेनर भी जानकारी देते हैं। इस टीम में ज्यादातर 20 से 22 साल के युवा ही शामिल किए जाते हैं। बता दें कि मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ था लेकिन उससे पहले ही इसके गठन की तैयारी की जा रही थी। जब 70 के दशक में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब इनकी जरूरत महसूस हुई कि पानी में जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कौन से फोर्स होने चाहिए। इसी के मद्देनजर नेवी ने मैरीटाइम स्पेशल फोर्स की योजना शुरू की। इसका मकसद ऐसे कमांडो तैयार करना था जो खास ऑपरेशंस जैसे काउंटर टेररिस्ट मुहिम चला सके। इसके एक साल बाद ये यूनिट अस्तित्व में आई। फिर 1991 में इसका नाम मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। वैसे तो मार्कोस कमांडो पानी के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा के वक्त भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ आपदा के दौरान मार्कोस कमांडो की मदद ली गई थी और 14 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के वक्त भी इन कमांडो ने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसके अलावा 80 के दशक में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन का भी ये टीम हिस्सा रह चुकी है। बता दें कि बीते शुक्रवार को भारतीय नौसेना के इन्हीं मार्कोस कमांडो ने अपनी ताकत का लोहा फिर से मनवाया था। उनकी ही बदौलत समुद्री लुटेरे डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग गए थे और 15 भारतीयों समेत सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित निकाल लिए गए।